हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिफेंस के यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं दिल्ली पुलिस की राइटिंग एग्जाम में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूँ। अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हो तो आप ये वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये मेरे चैनल को पहली बार देखा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ता जो कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँगा जल्दी आपके पास पहुँच सके और आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, देर ना करें, चलिए शुरू शुरू करते ही आज के वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। सो दोस्तों, आज की पहला प्रश्न है आपके सामने, मैं थोड़ा जूम करके देते हो जो आपके लिए अच्छा देखते हैं। पहला सवाल है आपके सामने, आईने अकबरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? आपके सामने चार ऑप्शन है, अबुल फजल, अकबर, आमिर खुसरो, जफर खान। तो दोस्तों, इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अबुल फजल इसके सही आंसर। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, न्यूयॉर्क किस नदी पर स्थित है? मिसिसिपी, नील, हर्सन, टाम्स। तो दोस्तों, इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हॉर्सन इसके सही आंसर। अगले सवाल है आपके सामने, वर्ष 1988 के ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? चार ऑप्शन है आपके सामने, बैंकॉक, सियोल, बार्सिलोना, रोम। तो दोस्तों, इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बार्सिलोना इसके सही आंसर। अगला सवाल है आपके सामने, मेघदूत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चार ऑप्शन है आपके सामने, सूरदास, महादेवी वर्मा, कालिदास, तुलसीदास। तो दोस्तों, इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कालिदास इसके सही आंसर। अगले सवाल है आपके सामने, तंबाकू में निचला पदार्थ क्या है? चार ऑप्शन है आपके सामने, निकोटीन, टेनिन, कैफीन, हार्इन। तो दोस्तों, इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निकोटीन इसके सही आंसर। अगला सवाल है आपके सामने, इनमें से कौन सा रोग पानी से नहीं फैलता? कलेरा, डायरिया, पोलियो, डिसेंट्री। तो दोस्तों, इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोलियो इसके सही आंसर। अगला सवाल है आपके सामने, भारत के किस राज्यों में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों, आपके सामने चार ऑप्शन है, असम, मेघालय, मणिपुर, केरल। तो दोस्तों, भारत के जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो मेघालय में होती है। सो दोस्तों, मेघालय सही आंसर है इसके। अगला सवाल है आपके सामने, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो अरविंद केजरीवाल, मनमोहन सिंह, लालू यादव, राहुल गांधी। तो दोस्तों, इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरविंद केजरीवाल इसके सही आंसर। अगला सवाल है आपके सामने, सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, बृहस्पति, शनि, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बुध इसका सही आंसर। अगला सवाल है आपके सामने, साबरमती परियोजना किस राज्य में है? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो दोस्तों, इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र इसके सही आंसर। तो दोस्तों, महाराष्ट्र नहीं है ये, सॉरी दोस्तों, ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसके सही आंसर, गुजरात में स्थित है। अगला सवाल है आपके सामने, कुचिपुड़ी किस राज्य का मुख्य नृत्य है? गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। तो दोस्तों, इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर है। अगला सवाल है आपके सामने, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कैमेलिया रंग की पट्टी है, बीच में, सबसे ऊपर, सबसे नीचे, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सबसे ऊपर इसके सही आंसर। अगला सवाल है आपके सामने, हिंद कैलेंडर के अनुसार अंतिम माह के कौन सा होता है? चैत, माघ, आश्विन, फाल्गुन।
तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फाल्गुन इसका सही आंसर। अगला सवाल है आपके सामने, भारत के सशस्त्र सेनाओं का सबसे बड़ा कमांडर कौन है? सर ऑप्शन है आपके सामने, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति इसके सही आंसर। अगला सवाल है आपके सामने, आज की अंतिम सवाल है, कोस्ट गार्ड क्या है? कोस्ट गार्ड क्या है? तो दोस्तों सर ऑप्शन है आपके सामने, सैनिक बल, पुलिस बल, अर्धसैनिक बल, कमांडोर। तो दोस्तों कोस्ट गार्ड है सैनिक बल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना, और अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज एक लाइक कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, जय हिंद।